गाइस तो इसलिए कहते हैं कि मस्ती नहीं करा करो, ये मस्ती कर रहे थे पकड़ा गए। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का सीन ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ जिम और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और उसके बाद जैन लोगों का तीर्थ स्थान है काफ़ी माना हुआ, तो वहाँ दर्शन करने जाएंगे और वहाँ से फिर जो भी होगा आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल अभी हो रही है बहुत तेज बारिश, उसको देखिए और एंजॉय कीजिए बारिश को। अपनी कॉलोनी ऐसी है किधर ये ऑफ रोड हो जाता है। आज गाड़ी भी बहुत दिन बाद उठाई है, चलाई है, रखी हुई थी जब से। बस बारिश में गाड़ी चलाते समय ये ध्यान रखिए कि कोई भी आदमी अगर पैदल जा रहा है तो गाड़ी स्लो कर लें, उसके ऊपर कीचड़ नहीं उछके, पानी नहीं उछके, क्योंकि शायद वो कहीं मंदिर जा रहा हो या कहीं भी जा रहा हो अच्छे काम से, तो थोड़ा स्लो कर लीजिए। और वैसे भी बारिश में बहुत कम ब्रेक कंट्रोलिंग होती है, तो आराम से चलाना चाहिए, ज़्यादातर बाइक वाले स्लिप हो जाते हैं। वो बोले ना सबके साथ, तो चलते हैं जिम और अगर ऊपर तो जिम में थोड़ा बहुत वीडियो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट आपको गाड़ी पे ही दिखाएंगे। गाइस तो जिम अपना कंप्लीट हो गया है, ये बैग। गाइस तो जिम अपना कंप्लीट हो चुका है और अपन चल रहे हैं अब घर की तरफ, क्योंकि अपन को निकलना है। तो चलते हैं, तैयार होते हैं, रेडी होते हैं और निकल। कल अगर हुआ तो शायद ऑफ रोड करेंगे, क्योंकि अगर टाइम मिला तो, क्योंकि संडे है और पानी अच्छा गिर रहा है यहाँ पर। एक मिनट में थोड़ा पीछे देख लो। ओके अच्छी हो रही तो ऑफ रोड करना बनता है। तो करते हैं कल और आपको दिखाते हैं, जो भी ऑफ रोड करेगा शॉर्ट्स में देख लेना, ऑफ रोड के तो मैं शॉर्ट्स ही डालूंगा। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो हर बार पानी तेजी गिरता है काफी, और इस बार भी हाई अलर्ट बोला है, लेकिन देखते हैं क्या है। खैर अपन ने बरसात के पहले थार इसलिए लिए कि अपन ऑफ रोड कर सकें, तो कोई नहीं चलते और मिलते हैं फिर आपको रेडी होके। अरे भाई बहुत गड्ढे हैं और वहाँ का व्यू अच्छा है, व्यू दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ चल के। तो ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है गलियों का वीडियो बनाने के लिए, तो अपन डायरेक्ट गाड़ी मिलते हैं। तो गाइस तैयार हो गए, रेडी हो गए। सुबह अलग मौसम था और अब अलग है, क्योंकि अब धूप पड़ रही है, ये देखो धूप पड़ रही है। तो रेडी हो गए, निकलते हैं और रास्ते में जो भी होगा आपको दिखाएंगे। बाकी वहाँ का उधर व्यू अच्छा है तो आपको दिखाएंगे। अभी कुछ लोग और भी मेरे साथ जा रहे हैं, तो जो भी होगा रास्ते में दिखाते हैं आपको। तो चलो चलते हैं, मन तो कर रहा है कि पानी में से कीचड़ में से निकाल लूँ 4x4। बस यही लगता है कि साला टायर गंदे हो जाएंगे गाड़ी के। निकालते हैं
गाइस अभी आप लोगों ने 4x4 का वीडियो देखना चाह रहे होंगे, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और जो भी है, जितना भी ये 4x4 मेरे लिए भी नया है, लेकिन कर लेंगे अपन, अपन को अपने ऊपर विश्वास है। तो जल्दी अपन इसका एक अलग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अब बरसात में काफ़ी ग्राउंड मतलब अच्छे हो चुके हैं ऑफ रोड वाले। तो जल्दी अपन प्लान करते हैं और बनाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मस्ती नहीं करा करो, ये मस्ती कर रहे थे, पकड़ा गए, ये जा रहे हैं हम अपने घर, इनको कहीं छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो हम लोग निकल गए हैं, तो पूछते हैं रास्ते में क्या है, क्या वेदर, अब पानी ऐसा हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है उनको किसी भी तरह की। चलते हैं, एक लोगों को और पिकअप करना है, वो फिर आगे जो भी है वहाँ का बताते हैं, रास्ते का व्यू है तो दिखाते हैं। गाइस तो भुट्टे खाने का मूड बन गया है, बरसात में भुट्टे नहीं खाए क्या मतलब है। कितने का दिए भैया? 20 रुपये हो जाएंगे जल्दी। आते हैं गाइस भुट्टे और फिर निकलते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अपनी गाड़ी पीछे का व्यू देखो। तो अपन निकलते हैं अब यहाँ से बासोद का, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, 30-35 मिनट लगेंगे बासोद पहुँच जाएंगे। फिर उसके आगे जाना है 70 किलोमीटर, तो उसके और आगे निकलते हैं हम, फिर आगे का और व्यू बताते हैं। ये हमारी गाड़ी, गाइस ये सेमल खेड़ी, ये एक मतलब जेलों का तीर्थ मंदिर है, काफ़ी अच्छा है, व्यू भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, काफ़ी बड़े बड़े इवेंट होते हैं इधर, और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये गेट देखिए, बहुत बढ़िया व्यू है। यहाँ पर लोग आगे अपनी बच्चों की शादी, वेडिंग प्लानिंग सब होता है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ जेल लोगों के। बहुत अच्छा व्यू है, ये कुआ है। गाइस बहुत सुंदर है, अच्छा बना हुआ है, दीक्षा स्थली तारा, जय तारा। पूरे यहाँ पर धर्म ग्रंथ रखे हैं, तो फ्रेंड ये किचन है और यहाँ पर खाना बनता है, जो भी गुरुकुल के स्टूडेंट उनके लिए, सबके लिए रहते हैं।
तो गाइस यहाँ पर क्या है, गुरुकुल भी है और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं बाहर से आके रह के और अपनी धार्मिक पढ़ाई भी करते हैं और उसके साथ यहाँ से सुरोन जाते हैं पढ़ाई करने। तो बहुत अच्छी बात है ये कि धर्म से भी जुड़े हैं और अपनी जो एजुकेशन है वो भी पूरी कर रहे हैं साथ साथ में, दो दो चीज़ें हो रही हैं तो बढ़िया है। और व्यू बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि पढ़ाई अच्छी होती होगी यहाँ की। ये पेड़ कितना अच्छा लगता है यार, इसका कलर बहुत अच्छा है। अभी मतलब जो कलर आ रहा है ना वो कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है। ये अपनी ब्लैक ब्यूटी खड़ी हुई है। अब यहाँ पर पानी नहीं था, बहुत गर्मी थी, पानी आने वाला है लेकिन आ जाए जल्दी, ज़्यादा देते हैं। तो भाई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है घर से दूर रह के पढ़ाई करना, लेकिन भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो करना पड़ता। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, पहाड़ियाँ हैं, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा पहाड़ी वाला है, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये छोटा एक वीडियो था, मतलब मैं आ रहा था तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं ब्लॉग एक। तो इस ब्लॉग के बाद एक और एक ब्लॉग आएगा गाड़ी का, फर्स्ट सर्विस का। तो फर्स्ट सर्विस का एक ब्लॉग है वो भी शायद हम जल्दी करवाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट बहुत एडवेंचर वाला ब्लॉग आने वाला है, उसमें अपन थार के साथ करेंगे बेहतरीन तरीके से ऑफ रोडिंग, 4x4 यूज़ करेंगे क्योंकि अब बारिश बहुत अच्छी हो चुकी है, जगह जगह पानी भर चुका है, ऑफ रोड हो चुका है, जहाँ पर गाड़ी को अपन मड में चलाएंगे तो देखते हैं। और एक वीडियो गाड़ी का मॉडिफिकेशन का अपन अलग बनाएंगे प्रॉपर जब मैं लगवाऊंगा। ये मैंने कोई एसेसरीज नहीं लगवाई है गाड़ी में, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन है वो आपको दिखा दिए हैं, लेकिन जो भी अब मैं एसेसरीज लगवाऊंगा तो उसका भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, जिससे आप उसे अच्छे से देख लें। पूरा वीडियो तबीयत से बनाएंगे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। हाँ एक और बात है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा प्यार दिखा दो अपना इस वीडियो पे और आने वाले हर वीडियो पे, तो अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।